YouTube में जाकर सिटी न्यूज पलामू को सब्सक्राइब करें व बेल आइटम को दबाकर परमंडल की ताजा खबर पाएं सबसे पहले सबसे आगे। बालूमाथ प्रखंड में विगत दो दिनों से रुक रुक कर हो रही भारी बारिश से आम जनजीवन काफी प्रभावित हुआ है। सड़कों पर बने गड्ढे लोगों के लिए भारी मुसीबत बन गई है। बालूमाथ अस्पताल परिसर और बीआरसी भवन के पास जल जमाव के कारण स्थिति नारकीय सा हो गया है। इधर पिछले तीन दिनों से प्रखंड में बिजली गुल हो जाने से लोगों पर आफत की चौतरफा मार पड़ रही है। बालूमाथ में हो रही मूसलाधार बारिश ने किसानों की चिंता भी बढ़ा दी है। खेतों में लगे धान के बिचड़े बह जाने की स्थिति में आ गई है। ऐसे में बारिश अब नुकसानदेह साबित हो रहा है। बता दें कि सावन महीने की झमाझम बारिश ने बालूमाथ प्रखंड के तमाम जलाशयों को पानी से पहले ही लबालब कर दिया था। वैसे में पिछले 24 घंटे से प्रखंड में रुक रुक कर मूसलाधार बारिश हो रही है। भारी बारिश और बादलों की गर्जन व बिजली के चमकने से प्रखंड भर में बिजली भी गुल है। नागरिक रात के अंधेरे में रहने को मजबूर हो गए हैं। मिली जानकारी के अनुसार हेरहंज और बालूमाथ प्रखंड में कुल 174 गांव अंधेरे में डूब गए हैं। जनजीवन थम सा गया है। कई घरों में पानी घुस जाने से लोग भारी मुसीबत में पड़ गए। वहीं इलाके में बरसाती नदियां पूरे उफान पर है। इस कारण से प्रशासन की ओर से नागरिकों को विशेष सतर्कता बरतने की हिदायत दी गई है। बालूमाथ में 3 दिन से बिजली नहीं मिल रहा है, 2 दिन से लगातार बारिश हो रहा है। इसके वजह से काफ़ी परेशानी हो रहा है। लोग तो दुकान भी नहीं जा पा रहे हैं, घर से निकलना मुश्किल हो गया। बच्चे लोग स्कूल जा रहे हैं तो भीम चाह जा रहे हैं और जाने भी काफ़ी मुश्किल हो रहा है। छाता वगैरह भी में 2 दिन से बारिश लगातार हो रहा है, जिसके चलते धान का रोपनी बहुत दिक्कत हो रहा है और खेती बाड़ी भी बहुत दिक्कत हो रहा है।